तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि आपका ये जो सब्जेक्ट है SFM, ये बेसिकली है क्या और इसके अंदर कौन कौन से एरियाज़ हैं, कौन से एरियाज़ ऐसे हैं जो थ्योरेटिकल एरियाज़ हैं, कौन से एरियाज़ ऐसे हैं जो न्यूमेरिकल एरियाज़ हैं, और पेपर में किस टॉपिक के ऊपर एग्जामिनर का फोकस ज़्यादा हो सकता है। सो इफ़ आई कैन एक्सप्लोर, तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि आपके पास पार्ट ए ऑफ द सिलेबस इज़ हैविंग अ 10% वेटेज, बिल्कुल नॉमिनल सी वेटेज है पार्ट ए की, और पार्ट ए इज़ ऑलमोस्ट थ्योरी। व्हेन आई से ऑलमोस्ट थ्योरी, सो अभी हम इसको और फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। पार्ट बी इज़ 45% एंड पार्ट सी इज़ 45%। दैट मीन्स ये दो पार्ट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि सिलेबस का 90% कवर करते हैं। अच्छा, अगर हम पार्ट ए पर आते हैं तो यू कैन सी इन पार्ट ए आपके पास पहला जो टॉपिक आ रहा है अंडर द हेडिंग ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। अच्छा, ये जो पेपर है हमारे पास SFM का, ये पेपर बेसिकली है फाइनेंस, जिसके अंदर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल स्ट्रेटजी या स्ट्रेटजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपको फाइनेंस के बारे में पता करना है कि जी फाइनेंस कंपनी का क्या होता है, कंपनी कहाँ से फाइनेंस रेज करती है, कहाँ कंपनी इन्वेस्ट करती है, और अल्टीमेटली जो कंपनी के फाइनेंस प्रोवाइडर्स हैं वो कंपनी को फाइनेंस देते हैं, वो क्या क्या कंसिड्रेशन उनके माइंड में होती है, रिस्क और रिटर्न का क्या रिलेशनशिप होता है, एंड सो ऑन। ये पेपर इस पर्टिकुलर वे में डिज़ाइन किया गया है। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंगली सिलेबस को दोबारा एक्सप्लोर करता हूँ, तो सबसे पहले मैं चलता हूँ पार्ट बी की तरफ, विच इज़ दी जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा पार्ट बी। तो अगर आप पार्ट बी में देखें तो पार्ट बी में आपको नज़र आ रहा होगा फाइनेंसिंग डिसीजन। तो अंडर पार्ट बी फाइनेंसिंग डिसीजन आप देखें, आपके पास एक टॉपिक आपको नज़र आ रहा होगा इक्विटी फाइनेंसिंग। ये आपको शेयर्स कहाँ इशू होते हैं, कंपनी शेयर्स इशू करते वक्त क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करती है, उसके बाद राइट शेयर्स क्या होते हैं, बोनस शेयर्स क्या होते हैं, इस सेक्शन में ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। शेयर प्राइस और इन्वेस्टमेंट रिटर्न कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कंपनी की शेयर प्राइस क्यों चेंज होती है, मार्केट में जो न्यूज़ का इम्पैक्ट आता है उसकी क्या क्या कंसिड्रेशन हो सकती है। तो इक्विटी फाइनेंसिंग में आपको शेयर होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से डिस्कशन करने को कही गई है कि शेयर होल्डर का पर्सपेक्टिव आप जज करें कि वो कंपनी में पैसा क्यों लगाता है, और जब वो कंपनी में पैसा लगाता है तो उसकी कंपनी से एक्सपेक्टेशन क्या होता है, कंपनी से क्या डिमांड करता है। आगे बढ़ते हैं। सो दूसरा एरिया हमारा सेक्शन बी में आता है डेट फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग से हमारे दिमाग में आता है बैंक लोन, बॉन्ड्स हमारे माइंड में आते हैं, डिबेंचर्स हमारे माइंड में आते हैं। इसके अंदर हमें कुछ एरियाज डिस्कस करने को कहे गए हैं, मीडियम टर्म फाइनेंसिंग क्या होती है, लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग कहाँ से आती है, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ और उनकी वैल्यूएशन कैसे होती है, शेयर वारंट्स क्या होते हैं, और इंटरनेशनल डेट फाइनेंसिंग किस तरीके से ली जाती है, उसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होते हैं। सो पहला और दूसरा जो एरिया है बेसिकली ये दो मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस के बारे में इंडिकेट कर रहा है। कंपनी यूजुअली या तो इक्विटी फाइनेंसिंग ऑप्ट करती है या फिर डेट फाइनेंसिंग ऑप्ट करती है। अगर आप कभी किसी कंपनी की बैलेंस शीट में जाएं और ये चेक करने की कोशिश करें कि इसने फाइनेंस कहाँ से ओकोपाई किया, तो आपको नज़र आएगा कि इसके पास ऑर्डिनरी शेयर्स भी हैं, इसके पास प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं, इसके पास डेट्स भी हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स भी हैं, शॉर्ट टर्म डेट्स भी हैं। बिकॉज़ यू नो दैट कि कंपनी को सर्वाइव करने के लिए, कंपनी को अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए फंडिंग की ज़रूरत होती है। तो सेक्शन बी एक्सप्लोर कर रहा है सिलेबस में कि आपके पास फंडिंग के क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। पहला ऑप्शन हो गया इक्विटी फाइनेंसिंग और दूसरा ऑप्शन हो गया डेट फाइनेंसिंग। फिर एग्जामिनर चाहता है कि आप लीजिंग के बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि लीज फाइनेंसिंग क्या होती है। अमूमन सबको ये पता होता है, आप लोगों को भी पता होगा लीजिंग क्या होती है। आजकल बड़ा एक कॉमन सा तरीका है कि अगर आपको कोई भी चीज़ लेनी है तो आप लीज पर लेकर, इंस्टॉलमेंट्स पे लेकर, लीज पे लेकर अपना काम चला सकते हैं, चाहे वो प्लांट एंड मशीनरी हो, जहाज़ हो, एनी एनी इंस्ट्रूमेंट यू कैन टेक ऑन लीज। तो यहाँ एक्सप्लोर किया जाएगा कि लीज एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती है,
और एक इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन है जिस पर अक्सर एमसीक्यू आ जाता है, और वो है लीज पे लिया जाए या लोन लेके लिया जाए। मसलन एक कंपनी को एक मशीन खरीदनी है, अब आपके पास एक ऑप्शन ही मौजूद है कि वो मशीन आप आउटराइट लोन लेकर खरीद लें, ऑनर बन जाए, या आप किसी बैंक के पास जाएं और कहें जी मुझे एक मशीन चाहिए, मुझे मशीन आप लीज पे दे दें, मैं आपको इंस्टॉलमेंट पे करता रहूँगा। ठीक है जी, तीसरा सोर्स। तो हमारे पास तीन मेजर सोर्स हो गए, इक्विटी फाइनेंसिंग, डेट फाइनेंसिंग और डेट फाइनेंसिंग के साथ लीजिंग का इशू। फिर ऑब्वियस सी बात है, जब आप फाइनेंसिंग लेने जाएंगे तो आप फाइनेंस प्रोवाइडर, आपको फी सबीलिल्लाह फाइनेंस तो प्रोवाइड नहीं कर रहा, फाइनेंस प्रोवाइडर आपसे कहेगा भाई मुझे क्या रिटर्न मिलेगा। आप बैंक में पैसा रखवाते हैं तो आप बैंक से कहते हैं इंटरेस्ट कितना दोगे। तो जो कंपनी फाइनेंस रेस कर रही है वो अपने फाइनेंस प्रोवाइडर को देगी रिटर्न, जो कि कंपनी के लिए बन जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो ऊपर आपको कैपिटल रेस करने के तरीके बताए गए, नीचे आपको बताया जा रहा है कि कैपिटल की कॉस्ट क्या होती है। तो ऑब्वियसली इक्विटी की भी कॉस्ट होगी विच इज़ कॉल्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और डेट की भी कॉस्ट होगी विच इज़ कॉल्ड कॉस्ट ऑफ डेट। तो इस सेक्शन में पॉइंट नंबर 8 में हम ये डिस्कस करेंगे कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट की जाती है और कॉस्ट ऑफ डेट कैसे कैलकुलेट की जाती है, और फाइनली हम पहुंचेंगे यहाँ पर कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस जिसमें आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसी भी कंपनी का कैलकुलेट करने को कहा जाएगा। अब से थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है बेसिकली ये क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल से सपोज यार आपको एक प्रोजेक्ट के लिए 100 मिलियन की फाइनेंसिंग चाहिए, व्हाट ऑप्शंस आर अवेलेबल। अगर आप ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने जाएं तो आपके पास जो सिलेबस में ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या प्रैक्टिकली बात करें तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप इस 100 मिलियन को इक्विटी के थ्रू फाइनेंस कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप डेट के थ्रू फाइनेंस कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं इसको लॉन्ग टर्म फाइनेंस की, और लॉन्ग टर्म फाइनेंस रेस करने के लिए हमारी अजम्पशन ये है कि हम एक पब्लिक लिस्टेड एंटिटी की बात कर रहे हैं, पब्लिक लिस्टेड एंटिटी जिसके शेयर्स स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड होते हैं, और उसे 100 मिलियन की फंडिंग चाहिए। तो एक ऑप्शन ये हो सकता है कि वो 100 मिलियन के नए शेयर्स मार्केट में फ्लोट कर दे, दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि वो 100 मिलियन का मार्केट से डेट उठा ले, या सिंपली 100 मिलियन किसी बैंक से जाकर लोन ले ले। इशू इज दैट कि इक्विटी फाइनेंस अगर रेस किया जाता है तो उसकी एक कॉस्ट होगी जिसे कहा जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और डेट की एक कॉस्ट होगी जिसे कहा जाएगा कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंसिंग। अब एक चीज जरा ध्यान में रखें कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो होती है, जिसको मैं KE से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और कॉस्ट ऑफ डेट, इन दोनों में कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमेशा एक्सपेंसिव होती है। ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे क्यों ऐसा होता है, लेकिन ये एक जनरल प्रिंसिपल है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगी वो हमेशा ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल लेट मी अज्यूम दैट कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15% है, शेयर होल्डर्स कह रहे हैं कि जी 15% रिटर्न दोगे तो पैसा ले लो, डेट वाले कहते हैं कि जी हम आपको 8% में रिटर्न दे देंगे। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से, जो इसका आंसर करना चाहे वो कर सकता है, कि कंपनी को फाइनेंस इक्विटी की फॉर्म में रेस करना चाहिए या डेट की फॉर्म में रेस करना चाहिए, एनी आइडिया? डेट की फॉर्म ही है डेट ज्यादा की फॉर्म चीपर में, है। क्योंकि क्योंकि डेट से हमारे माइंड में एक चीज आती है कि डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो सब यही एडवाइस करेंगे, लेकिन जब आप इंटेलिजेंट बन जाएंगे ना, जब आप ये सिलेबस पूरा पढ़ लेंगे तो आप ये एडवाइस नहीं करेंगे, बल्कि आप ये कहेंगे कि भाई ठीक है डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, लेकिन आपको एक बेसिक सा फर्क ये पता होना चाहिए कि जब आप इक्विटी फाइनेंसिंग रेस करते हैं तो शेयर होल्डर्स को आपको डिविडेंड देना होता है, लेकिन जब आप डेट फाइनेंसिंग रेस करते हैं तो आपको डेट प्रोवाइडर्स को इंटरेस्ट देना होता है,
विच इज कंपल्सरी विच इज गारंटीड। तो जब ये बात स्टूडेंट्स को बताई जाती है कि भाई डेट तो कंपल्सरी होता है, हर साल देना ही देना है, तो फिर वो एक सेकंड थॉट की तरफ आता है कि यार ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया, अगर हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स ना हुए तो क्या हम अपने डेट को रीपे कर सकेंगे हर साल इंटरेस्ट की फॉर्म में, या एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी उसको रीपे करने की हमारी एबिलिटी है? दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। सो सिर्फ आप ये 8% की अट्रैक्शन में ना जाएं कि ये चीपर है, साथ साथ आप अपनी कैपेसिटी भी देखें कि क्या आपकी इंटरेस्ट देने की कैपेसिटी मौजूद है। अगर है तो वेल एंड गुड, आप डेट फाइनेंसिंग की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है तो आप ये बर्डन लेते वक्त ज़रा दो मरतबा सोचें। सही है, डिविडेंड जो होता है वो कंपलसरी नहीं होता, वो क्या होता है, वो ऑप्शनल होता है। यानी कि कोई भी फाइनेंस प्रोवाइडर अगर लेंडर है तो वो आपको कोर्ट ऑफ लॉ में सू कर देगा अगर आप इंटरेस्ट नहीं देंगे तो, लेकिन शेयर होल्डर को इतनी अथॉरिटी नहीं दी जाती लॉज में कि वो जाकर कंपनी को नॉन डिविडेंड के ऊपर सू कर सके। इज दैट पॉइंट क्लियर? सो ये बेस बनती है हमारी डिस्कशन की कि फाइनेंस लेते वक्त आप ब्लाइंडली डिसीजन नहीं लेते, बल्कि आपको बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ता है, उसके बाद आप ये डिसाइड करते हैं कि जी हमें पैसा इक्विटी की फॉर्म में चाहिए या हमें पैसा जो है वो डेट की फॉर्म में चाहिए। सो ये क्वेश्चन अभी हमारा मौजूद अपनी जगह कि 100 मिलियन में ज़्यादा सूटेबल क्या है, इक्विटी फाइनेंसिंग या डेट फाइनेंसिंग। अच्छा, ये बात जहन में रखिएगा कि जब इन्वेस्टर आपको पैसा देगा तो इन्वेस्टर आपको पैसा देते वक्त ये देखेगा कि जहाँ मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ वहाँ रिस्क कितना है, और उस रिस्क को देखते हुए वो रिटर्न डिमांड करेगा। रिस्क और रिटर्न का रिलेशनशिप होगा, एंड दैट रिलेशनशिप सेज दैट जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न होगा। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या शेयर होल्डर के लिए ज़्यादा रिस्क होता है या डेट होल्डर के लिए ज़्यादा रिस्क होता है किसी भी कंपनी में पैसा लगाना? शेयर होल्डर के लिए सवाल पैदा होता है, क्यों शेयर होल्डर के लिए क्यों होता है, व्हाई? बिकॉज़ उनके जो पैसे अगर इन केस ऑफ वाइंडिंग अप मे बी दे विल फील डिफिकल्ट के रिकवर करते हुए अमाउंट, कंपनी उन्हें क्योंकि लेट पेमेंट करती है, रीपे करती है, दैट्स व्हाई। पहली चीज, उनको डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा दे हैव नो आइडिया, ठीक है। दूसरी चीज, उनके पास किसी भी किस्म की कोई सिक्योरिटी नहीं होती, किसी भी किस्म की कोई सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जाती शेयर होल्डर्स को। तीसरी चीज, जब कंपनी वाइंडिंग अप प्रोसेस में जाएगी सबको दिया जाएगा तो शेयर होल्डर को सबसे लास्ट में मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, इट डिपेंड्स ऑन दी अवेलेबिलिटी ऑफ एसेट्स। ऐसा ना हो कि डेट वाले सारे का सारे पैसे लेकर चले जाएं और आपकी दुकान बंद हो जाए और शेयर होल्डर के लिए कुछ ना बचे। तो शेयर होल्डर टेक्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रिस्क, तो जब शेयर होल्डर सबसे ज़्यादा रिस्क लेगा तो क्या वो लो रेट ऑफ रिटर्न पर एग्री होगा, यस और नो? तो आपका जवाब होना चाहिए नो, सही है। तो शेयर होल्डर्स जो है वो हाई रेट ऑफ रिटर्न डिमांड करता है एज कम्पेयर टू डेट होल्डर, एंड दिस इज द रीजन वाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंस। चले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फिर सिलेबस पे एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि आपका सिलेबस आगे क्या कहता है। मैं आज की जो हमारा डिस्कशन हो रही है इसमें हमारा एजेंडा है सिलेबस को एक्सप्लोर करना, कुछ मैं अपने बारे में आपको बताऊंगा और कुछ हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो क्लासेस हमारी हो रही हैं ये किस तरीके से चलेंगी, और अगर आपको पेपर पास करना है तो पेपर पास करने के लिए अफेक्टिवली आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कितनी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जिसके बाद आप पहली अटेम्प्ट के अंदर एलिजिबल हो सकते हैं कि आप पेपर पास कर सकें, क्योंकि आपका ये सिलेबस काफ़ी ह्यूज सिलेबस है और इस सिलेबस पे अगर आप टेक्निकली अच्छी ग्रिप लेके नहीं जाते एग्ज़ाम में तो दो मरतबा, तीन मरतबा, चार मरतबा
और सिस्टम भी नया है आपका, अब ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हो चुका है, सीबी एग्ज़ाम हो चुका है, इसमें एमसीक्यूज भी आना शुरू हो गए हैं, तो अब एग्जामिनर के पास बहुत वैरायटी है आप लोगों से पूछने के लिए, तो इसलिए यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट कि सिलेबस क्या है और सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग आपको कैसे हासिल करनी है। तो हम सिलेबस का पॉइंट नंबर 8 एक्सप्लोर कर रहे थे और हम ये बात कर रहे थे कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें निकालनी पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ डेट निकालना पड़ेगा, और इसके लिए हमारे पास कई मॉडल्स अवेलेबल हैं। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मॉडल इज कॉल्ड डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। लाइकली चांसेस होते हैं कि एग्जामिनर इसके ऊपर सवाल बनाएगा। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल से हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, इससे भी हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद हम पहुंच जाते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर। ठीक है, इसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहाँ यूज होगा, कब ये चेंज होगा, कब ये इंक्रीज होगा, कब ये डिक्रीज होगा, ये सारी चीज़ें आगे हम डिस्कस करनी। उसके बाद सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि ये बताइए कि कंपनी के पास 100% इक्विटी फाइनेंसिंग होना चाहिए या 100% डेट फाइनेंसिंग होना चाहिए, क्या ख्याल है? एनीवन? दोनों का मिक्सअप होना चाहिए। अच्छा ठीक, वेरी गुड, आप पढ़े लिखे लग रहे हैं। ये भी बताएं कि कितना मिक्स होना चाहिए। ऑब्वियसली जो डेट है वो उसकी कम होनी चाहिए और अपना इक्विटी की थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, क्यों? वो इसलिए कि आपको जब अगर पे करने पड़े तो डेट जो है ऑब्वियसली उसको आपको आपको कंपलसरी है आपको अदा करना ही करना है, और इक्विटी क्योंकि आपका अपना पैसा लगा हुआ है। आप इससे एग्री करेंगे? सॉरी, हाँ मैं एग्री करता हूँ इससे। ये रैशनल रेशियो है 60-40। सही, अगर मैं कहूँ जी नहीं ये रैशनल नहीं है, ये बेकार है, बल्कि ये रेशो ज्यादा अच्छा है, आप मुझसे एग्री करेंगे? इट डिपेंड अपॉन द कैलकुलेशन, जनरल थ्योरी और एप्लीकेशन पे तो हम एग्री नहीं करते। ठीक है, सही है। तो अगर कोई ये कह दे जज्बात में आकर कि जी नहीं मैं नहीं मानता, मैं कहता हूँ ये ज्यादा अच्छा है, इस पर कोई डिबेट करना चाहेगा? देखिए, हम फाइनेंशियल मैन में पढ़ी सी दिया है कि हम सबसे ऑप्टिमल जो है हमारी जो फाइनेंसिंग हो वो हो, तो फिर तो करने चाहिए, मतलब कुछ भी कर सकता है। अच्छा, हम लोग एक रेशो कैलकुलेट करते हैं जिसको कहते हैं गियरिंग रेशो। वो गियरिंग रेशो 50-50, 60-40, 30-70, ये मैं सब गियरिंग रेशो लिख रहा हूँ, ठीक है? और यही हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर भी है ना। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आपकी टोटल फाइनेंसिंग में डेट कितना है और इक्विटी कितनी, ठीक है? अब जितने मुंह उतनी बातें, हमारा अपना मुंह है तो हम अपनी बात करते हैं, फिर हम देखेंगे कि मार्केट में थ्योरीज क्या कहती हैं, तो हम इसके ऊपर अपनी कहानी बाद में सुनाएंगे, पहले ये कहेंगे कि मार्केट में जो थ्योरीज हैं वो क्या कहती हैं, क्योंकि एकेडमिक्स में भी तो बहुत काम हुआ है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर, तो एकेडमिक्स की भी तो कुछ माननी पड़ेगी ना, सिर्फ मार्केट की कोई मानेंगे हम? बल्कि हम एकेडमिक्स ही ज़्यादा मानेंगे। मार्केट में अगर कोई आपसे कहता ना ये कर लो शेयर प्राइस बढ़ जाएगी, हम कहेंगे भाई तुम चुप रहो, पहले हम ये देखते हैं एकेडमिक्स क्या कहती है, क्या वाकई एकेडमिक्स के पीछे है जो आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हो? अगर है तो मैं आपका आर्ग्यूमेंट वैलिड मानूंगा, क्योंकि तो दोनों एक अलग अलग साइंस है, मार्केट अलग साइंस है और एकेडमिक्स बिल्कुल एक अलग साइंस है। अच्छा जी, देखें ये सारे सवाल फजूल हैं, 60-40, 30-70, 20-80 सब फजूल हैं। हम ये कहते हैं कि यार ये कैपिटल स्ट्रक्चर का जो ताल्लुक है ना, कैपिटल स्ट्रक्चर का ताल्लुक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ। हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हमारा आएगा उसे मिनिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शुड बी मिनिमम। हम कहते हैं ये एजेंडा है हमारा कि हमें अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमम करना है। कोई सवाल ये पूछता है कि जी क्यों, व्हाई यू शुड वांट योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम? बिकॉज हम ये कहते हैं कि अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होता है तो वैल्यू ऑफ बिजनेस जो है वो मैक्सिमम होती है। अब ये बात समझ में आती है कि जी हर बंदा यही चाहेगा ना कि वैल्यू ऑफ बिजनेस मैक्सिमाइज हो, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज कैसे करें? क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्विटी बढ़ाने से मिनिमाइज होगी? क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल डेट बढ़ाने से मिनिमाइज होगी? तो हम कहते हैं इसको कहते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं?
ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमाइज हो जाती है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर मिनिमाइज होगी तो अंडरस्टूड बात है कि वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ बिजनेस मैक्सिमाइज हो जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन शेयर होल्डर की ज्यादा परवाह करती है, डेट होल्डर की ज्यादा परवाह करती है? ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है? सबसे बड़ा तो इक्विटी होल्डर होता है। जी बिल्कुल, होना भी चाहिए। बिल्कुल। ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा एजेंडा पता क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर। एंड व्हाट डू यू मीन बाय वेल्थ मैक्सिमाइजेशन? जब हम कहते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, जो कि बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि उनको हैंडओवर किया गया है सब कुछ, तो वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को इंटैक्ट करेंगे कि जी वेल्थ मैक्सिमाइज होनी चाहिए। लेकिन जब हम ये कहते हैं शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज होनी चाहिए, तो एग्जैक्टली क्या मतलब इसका? कैसे पता लगेगा कि शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज हो भी रही है या नहीं हो रही? शेयर प्राइस इंक्रीज कर रही होगी। अच्छा, वेरी गुड, शेयर प्राइस इंक्रीज होनी चाहिए। इसके दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, वेल्थ के दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं। एक कॉम्पोनेंट होता है डिविडेंड, और दूसरा कॉम्पोनेंट होता है कैपिटल। लेकिन बाज दफा स्टॉक मार्केट में के साथ साथ लॉस भी हो जाता है। तो जब हम ये बात करेंगे कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हुई या नहीं हुई, तो हम चेक करेंगे कि उसे डिविडेंड कितना दे रहे हैं आप हर साल, और उसकी शेयर प्राइस आपने बढ़ाने में क्या रोल प्ले किया। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला भी होता है जिसको कहा जाता है TSR। TSR बोले तो टोटल शेयर होल्डर्स रेट ऑफ रिटर्न, और इसका फॉर्मूला आगे जाके हम एक्सप्लोर करेंगे। भी जस्ट लिख रहा हूं कि आपने शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड दिया, डिविडेंड यील्ड प्लस कैपिटल। तो शेयर होल्डर अगर किसी कंपनी में पैसा लगाएगा तो वो सबसे पहले ये एक्सप्लोर करेगा कि कंपनी ने लास्ट ईयर कितना जो है रिटर्न जनरेट किया, कितना रिटर्न कमिट किया हुआ था, कितना जनरेट किया, शेयर प्राइस की ग्रोथ देखेगा, एंड सो एंड सो ऑन। अब ये सवाल बाद के लिए छोड़ता हूँ कि शेयर प्राइस इंक्रीज क्यों होती है, शेयर प्राइस डिक्रीज क्यों होती है, उसके फैक्टर्स क्या हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे। सो अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, देखें जी इस सारी कंक्लूजन में आपको एक काम की चीज़ दिखाता हूँ। देखें, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी को पता है कि जी कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15% चल रही है और कॉस्ट ऑफ डेट चल रही है 8%, यानी कि शेयर होल्डर 15% रेट ऑफ रिटर्न मांग रहे हैं और डेट वाले 8% रेट ऑफ रिटर्न मांग रहे हैं। सपोज कर लेते हैं कंपनी ने डिसाइड किया कि वो मिक्स बनाना चाहती है 50 और 50 का, तो हम कहते हैं कि जी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताएं क्या होगी। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना बड़ा आसान है। 15% जिनसे आपने पैसा लिया, 15% जिनको रिटर्न देना है, उस 15% को आप 0.5 से मल्टीप्लाई कर दें, और जिनसे आपने 50% फाइनेंसिंग डेट की फॉर्म में ली है उसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके सामने एक रफली आंसर आ जाएगा 7.5 + 4, दैट इज 12.5%। इज दिस ऑप्टिमम? 11.5 सर, सॉरी, इज दिस ऑप्टिमम? क्या ये ऑप्टिमम है? तो हम कहेंगे नहीं, हमें तो नहीं पता ये ऑप्टिमम है या नहीं, लेकिन हम ये कहते हैं कि क्योंकि डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो अगर मैं इक्विटी को कम कर दूं और डेट को ज्यादा कर दूं, क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा? लेट्स ट्राई। मैंने कहा नहीं यार ये अच्छा नहीं लग रहा, 40 और 60 करके चेक कर, अब निकालते हैं। मैंने अजम्पशन ये ली कि शेयर होल्डर का रिटर्न वही रहेगा 15% और डेट वाले का रिटर्न भी 8% ही रहेगा, मेरी अजम्पशन है। ठीक है, अजम्पशन पे काम कर रहा है। तो 15% वाले का अब शेयर हो गया 0.4 और 8% वाले का शेयर हो गया 0.6। तो इफ आई कैलकुलेट दिस 1136 + 4.8, टोटल आंसर बनता है 10.8। ये सही है 10.8? ये देखेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि 50-50 के ऊपर तो 11.5 आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने डेट इंक्रीज किया तो
वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या सिंपली कॉस्ट ऑफ कैपिटल 11 पॉइंट समथिंग से रिड्यूस होकर यहां आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, क्या कंक्लूड करो, इसका मतलब क्या, मैं ये कंक्लूड कर लूं कि डेट इंक्रीज करने से कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिरता है, क्या मैं कंक्लूड कर लूं? जी सर ऐसा है, ऐसा है लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, ये बात आप ध्यान में रखें, ऐसा होता है लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। ये डिस्कशन हम करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी के अंदर, ठीक है जी। ये मैं आपको अभी सिर्फ छेड़ रहा हूँ ना, आप छेड़ रहा हूँ टॉपिक वाइज, आपको छेड़ रहा हूँ, देखें आपके सिलेबस में कितनी डेप्थ मौजूद है, और आप अगर इस सिलेबस को वाकई डीपली जाके नहीं पढ़ते तो आपको पता है ये सिलेबस ICMAP वाले वैसे भी पास नहीं करते, और इस सिलेबस के बारे में तो पता ही लगाया गया, इसमें तो बिल्कुल पास करने के मूड में नहीं, तो आपको थोड़ा सा टॉपिक में घुसना पड़ेगा ना, आपको एक एक चीज़ एक्सप्लोर करनी पड़ेगी अपने टॉपिक्स की, आपको आर्ग्यू करना पड़ेगा। आप आर्ग्यू करेंगे कि जी ऐसा क्यों नहीं है, आप ऐसा क्यों नहीं है, आपका एग्जामिनर आपसे कैलकुलेट करवाने को कहता है तो आपकी कैलकुलेशन परफेक्ट होनी चाहिए, आपका एग्जामिनर आपसे थ्योरेटिकल कोई आर्ग्यूमेंट पूछता है तो आपकी थ्योरी परफेक्ट होनी चाहिए कि जी जी आई नो थ्योरेटिकली भी इसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है जी। अच्छा ये जो टॉपिक है हमारा, इसके अंदर एकेडमिक्स की थ्योरीज मौजूद हैं जो कि ये कहती हैं कि जी 60-40 होना चाहिए, 70-80 होना चाहिए, हम उन पर डिस्कशन करेंगे और डिबेट करेंगे कि जी थ्योरीज सही हैं गलत हैं वॉट एवर जो भी, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक कॉन्सेप्ट आएगा एंड सो ऑन। उसके बाद सिलेबस का सेक्शन बी का जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका ट्रेजरी मैनेजमेंट। ट्रेजरी मैनेजमेंट में आपके पास फाइनेंशियल रिस्क को कैसे हैच किया जाता है, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, उनका यूज़ कैसे किया जाता है, इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ कि जी आपसे सिलेबस में क्या एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है। बेसिकली ये बनता है रिस्क मैनेजमेंट, और जब हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन वरी होती है किसके बारे में, करेंसी रिस्क के बारे में एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क के बारे में। करेंसी रिस्क क्या होता है, करेंसी रिस्क ये होता है कि आप फॉरेन करेंसी में डील कर रहे हैं, या तो फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट हो जाएगी या फॉरेन करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी, इसको कहते हैं करेंसी रिस्क। जैसे हमारा जो लोकल करेंसी चल रही है वो है पाक रुपी, और हमारा जो रेट है 1 USD इज इक्वल टू PKR 160 में एज्यूम कर लेता हूँ, आई डोंट नो कि आज का रेट या कल का रेट क्या था, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ ये रेट है। तो अगर आपका PKR 1 USD से 165 पे चला जाता है तो आप कहेंगे यार डॉलर अप्रिशिएट हो गया, या अगर वो 155 पे चला जाता है तो आप कहेंगे यार डॉलर डेप्रिशिएट हो गया। तो बिजनेस को इससे क्या प्रॉब्लम है, डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है या नहीं हो रहा? तो होता यह है कि आप बिजनेस करते हैं तो समटाइम्स आप एज एन इम्पोर्टर पोजिशन ले लेते हैं, आपकी पोजिशन एज एन इम्पोर्टर होती है, और या फिर आपकी पोजीशन एज एन एक्सपोर्टर होती है, और आप डर रहे होते हैं कि करेंसी के चेंज होने की वजह से हमारे कैश फ्लोज भी अफेक्ट हो सकते हैं, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी अफेक्ट हो सकती है, एंड सो ऑन। तो फिर आप एक प्लान करते हैं, आप कहते हैं ये जो रिस्क है उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए आप एक टर्म इस्तेमाल करते हैं हैजिंग, कि जी हैच कर लिया जाए। और हैज आप कैसे करते हैं, हैच करने के लिए आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हैं, जिनको कहा जाता है डेरिवेटिव्स। कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोगों को शायद आइडिया हो। वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ डेरिवेटिव इज ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड, सही है, फॉरवर्ड एक्सचेंज, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि जी ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनते हैं, इन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर कैसे गेन और लॉस कैलकुलेट किया जाता है, एंड सो। कंपनी भरोसा क्यों नहीं करती, छोड़ दे कि जो होगा देखा जाएगा, ऐसा क्यों नहीं करती कंपनी?
क्या ख्याल है, देख लेंगे? करेंसी अप्रिशिएट हो सकती है तो डेप्रिशिएट भी तो हो सकती है ना, करेंसी तो दोनों तरफ मूव करती है। सर कंपनी अपने कैश फ्लो जो है या कैश फ्लो मैनेज करने के लिए ये फ्यूचर में उसको ज्यादा पेमेंट ना देनी पड़ जाए करेंसी के रिस्क की वजह से? देखें बोर्ड की ये रिस्पांसिबिलिटी, कॉस्ट बोर्ड की ये रिस्पांसिबिलिटी है कि उसको रिस्क भी मैनेज करना होता है, रिस्क मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बोर्ड की है। तो बोर्ड क्या करता है, अपना रिस्क एपेटाइट सही है, ये देखता है कि जिसने मुझे पैसा दिया है वो कितना रिस्क एब्जॉर्ब कर सकता है, हमारा रिस्क एपेटाइट कितना है, और उसके अकॉर्डिंगली बोर्ड चलता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसको आज़ाद छोड़ दें कि जी मिलियंस ऑफ रुपीज़ के आपके पास फॉरेन करेंसी आने वाली है और आप कहें कोई रेट चेंज हो जाएगा तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। ऑब्वियसली आपके कैश फ्लोज हिट होंगे, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हिट होगी, पर अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर आएगा? अल्टीमेट इम्पैक्ट आएगा शेयर प्राइस के ऊपर, और शेयर होल्डर फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, और शेयर होल्डर फ्रस्ट्रेट होते हैं तो क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई के चक्कर में आपकी शेयर प्राइस गिरना शुरू हो जाएगी और हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के एजेंडा से डाइवर्ट हो जाएंगे। तो हम वो कोई काम नहीं करना चाहते जिसके अंदर हमारी शेयर प्राइस गिरे या शेयर प्राइस मिनिमाइज। इसी तरीके से जो दूसरा रिस्क है ऑर्गेनाइजेशन में, वो किस चीज़ का रिस्क होता है कि आपने कहीं से लोन लिया हुआ, आपने कहीं से बोरो किया हुआ और आपको लगता है इंटरेस्ट रेट या तो इंक्रीज होने वाले हैं, सही है, या फिर इंटरेस्ट रेट जो है वो डिक्रीज होने वाले हैं। तो आप इस चक्कर में कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट गिर गए तो क्या होगा, हमें नुकसान हो जाएगा, हमें ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, हमें कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इस रिस्क को हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क, जो कि बोरोइंग के साथ एसोसिएटेड है, डिपॉजिट के साथ भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त हम क्योंकि फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं तो हम ये बोरोइंग के साथ कनेक्ट कर रहे हैं कि बोरोवर ऑल्सो वरी अबाउट कि उसका जो लोन है, जैसे पाकिस्तान की एग्जाम्पल देख लें, पाकिस्तान ने जितना भी कर्जा IMF से लिया हुआ है वो डॉलर के ऊपर डिपेंड करता है, डॉलर ऊपर चला जाता है हमारा कर्जा ऊपर चला जाता है, ठीक है, और जो भी मार्केट रेट पे लिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल से सपोज उन्होंने मार्केट रेट उठाया हुआ है लाइबोर प्लस 5%, तो अगर किसी ने भी लाइबोर प्लस 5% पे उठाया हुआ है तो लाइबोर या काइबोर ऊपर जाता रहेगा, हमारी इंटरेस्ट पेमेंट भी ऊपर जाती रहेगी। सो ये दो किस्म के रिस्क हैं जिन्हें सिलेबस में आपको मिटिगेट करना है। दोबारा आ जाते हैं सिलेबस की तरफ, सो दिस इज आर सेक्शन बी, इसको मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, अब तक की डिस्कशन पे कोई सवाल? अभी आप मुझे सिलेबस पे सवाल करेंगे ना, अभी ये नहीं पूछेंगे पढ़ाएंगे कैसे, क्लासें कितनी होंगी, वो मैं एंड में आपको सब बताऊंगा। रिसोर्सेज क्या इस्तेमाल करेंगे, सब चीज़ें मैं बाद में करूँगा। इस पर्टिकुलर सेक्शन बी पे अगर किसी के माइंड में कोई सवाल है तो वो पूछ लें। एनी स्टूडेंट? चलें अगर कोई सवाल नहीं है तो लेट्स मूव फॉरवर्ड और हम नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। तो ये देखें, ये 45% सिलेबस है और एग्जामिनर को वेटेज को कहीं ना कहीं पूछना तो होता है सिलेबस में, एग्जाम पेपर में। तो इस वेटेज के अंदर एग्जामिनर के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकलवा सकता है, वो आपसे इक्विटी की डिस्कशन करवा सकता है, वो आपसे डेट की डिस्कशन कर सकता है, शेयर प्राइस क्यों चेंज होती है वो पूछ सकता है, वो आपसे कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी पूछ सकता है, लीज वर्सेस बाइंग का न्यूमेरिकल आ सकता है, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे न्यूमेरिकल आ सकता है। यू हैव टू बी गेट रेडी फॉर दैट, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल पे न्यूमेरिकल, DVM पे न्यूमेरिकल, कॉस्ट ऑफ डेट पे न्यूमेरिकल, कन्वर्टेबल डेट पे न्यूमेरिकल आता है। तो जब आप ये अच्छी तरीके से सारी चीज़ें कवर करके जाएंगे तो इस बात की गारंटी होगी कि आप एग्जाम में मार्क्स ले सकते हैं। नेक्स्ट सी, सिलेबस सी का एजेंडा क्या है? सिलेबस सी बेसिकली इन्वेस्टमेंट पर फोकस करता है, सिलेबस बी फाइनेंसिंग पे फोकस कर रहा था और सिलेबस सी इन्वेस्टमेंट पे फोकस कर रहा। तो सिलेबस सी आपको ये बताता है कि आप जब भी इन्वेस्ट करने जाएंगे तो अल्टीमेटली उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपका रिटर्न कहाँ से आता है, कितने रिटर्न के ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और उसका क्राइटेरिया क्या है। तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में जब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। जिन्हें हम कहते हैं मेथड ऑफ अप्रेजल,
जिसमें से एक मेथड है नेट प्रेजेंट वैल्यू। आप लोगों को पता होगा नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, हम उसकी डिटेल कैलकुलेशन वगैरह पे बात करेंगे। एक मेथड है आपका जिसको कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको IRR कहा जाता है, पेबैक, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो ये कुछ तरीके हैं और उसके अंदर कुछ एडवांस तरीके हैं, सही है। फिर उसके अंदर आपका डोमेस्टिक अप्रेजल का मेथड, फिर इंटरनेशनल अप्रेजल का मेथड और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके अंदर डिस्कस की जाती हैं। इसके अंदर रिस्क एंड अनसर्टिनिटी डिस्कस की जाएगी कि अप्रेजल के मेथड में अगर कोई रिस्क एंड अनसर्टिनिटी है तो उसको कैसे डिस्कस किया जाए। कि आपके सिलेबस में डिफरेंट अप्रेजल के मेथड्स हैं जिन्हें आपको एक्सप्लोर करना है और इसकी कैलकुलेशन पे भी फोकस करना है और इसकी थियोरेटिकल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर भी फोकस करना है। हमारा एक जर्नल क्राइटेरिया होता है कि ये जो मेथड ऑफ अप्रेजल है ये हमें ये बताते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। मसलन कोई ये पूछे कि जी आप NPV की बेसिस के ऊपर ये कैसे डिसाइड करेंगे कि किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो मैं कहूँगा कि अगर मैं किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करता हूँ और उस प्रोजेक्ट की NPV पॉजिटिव आती है तो हम ये कह देते हैं कि ये प्रोजेक्ट आपके लिए फीजिबल है। इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना आपके लिए क्यों फीजिबल है? क्योंकि ये प्रोजेक्ट आपको आपकी रिक्वायर्ड फाइनेंसिंग के अगेंस्ट एक्स्ट्रा पैसा अर्न करके दे रहा है, तभी तो NPV पॉजिटिव आई है। इसी तरीके से अगर हम कोई और मेथड ट्राई करते हैं, हम कहते हैं जी IRR से अप्रेज करते हैं मेथड को, तो हम कहते हैं कि अगर IRR प्रोजेक्ट का उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से एक्सीड कर जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा पैसा जनरेट कर रहे हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, आपकी इन्वेस्टमेंट फीजिबल हो जाएगी। तो सिलेबस में आपको ये सारे मेथड्स बताए जाएंगे कि आप किस तरीके से किसी भी प्रोजेक्ट को कैसे अप्रेज कर सकते हैं। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल आपका आ गया, उसमें रिस्क एंड अनसर्टेनिटी आ गई, उसके बाद आप इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात करेंगे और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की बात करेंगे। डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल में एक फ़र्क ये होता है कि जो आपको कैश फ्लोज दिए जाएंगे वो आपको फॉरेन करेंसी में दिए जा सकते हैं, टैक्स के इश्यूज दिए जा सकते हैं, डबल टैक्सेशन के इश्यूज दिए जा सकते हैं, उनको हैंडल किया जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लिए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल रेशनिंग क्या होती है, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट कहाँ इस्तेमाल होती है, रियल ऑप्शंस क्या होते हैं, APV क्या होती है, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू का एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप एडवांस NPV का कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, ये डिस्कशन की जाती है। उसके बाद कुछ थियोरेटिकल डिस्कशन है कि जब आप कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं तो उसकी फीजिबिलिटी वगैरह के बारे में, उसको प्रोजेक्ट को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, आफ्टर प्रोजेक्ट पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट क्या होता है, उससे आपने क्या लेसन लर्न किया, ये इन्वेस्टमेंट के बारे में सेक्शन आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद आप आ जाते हैं मर्जर्स एंड एक्विजिशन की तरफ। देखा जाए तो ये भी इन्वेस्टमेंट ही है, लेकिन ये एक अलग सिनेरियो बनता है मर्जर्स एंड एक्विजिशन। चलो जी, सो मर्जर एंड एक्विजिशन में हमारे पास बेसिकली जो एक मेजर इशू है वो है बिजनेस वैल्यूएशन का, कि अगर आप किसी बिजनेस को खरीदने जा रहे हैं तो आप उस बिजनेस की वैल्यूएशन कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल लेट सपोज दैट के PSO जो है वो शेल को एक्वायर कर रहा है, तो PSO शेल को एक्वायर करने के लिए जो वैल्यूएशन करेगा वो कैसे वैल्यूएशन करेगा, शेल की वैल्यूएशन कैसे होगी, कोई आइडिया देगा इसके ऊपर कि शेल को खरीदने के लिए शेल की वैल्यूएशन कैसे की जाए। तो शेल की जो फ्यूचर की जो इनकम्स है वो कितनी होंगी उसके ऊपर भी हम वैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जिस्टिंग उसके जो नेट एसेट्स हैं उनके ऊपर बात कर सकते हैं। अगर शेल पब्लिक लिस्टेड कंपनी हो तो उसकी करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी नहीं है, करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन सर, और प्लस फ्यूचर में इसकी कितनी सर्टेनिटी है इसके बिजनेस की, वो भी जो देखेंगे हम। करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें ये बताती है कि आज इसके पास आउटस्टैंडिंग शेयर्स क्या थे और आज इसकी शेयर प्राइस क्या रही। तो करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन
क्या एक गुड इंडिकेटर नहीं होता कंपनी की फ्यूचर परफॉर्मेंस का? यह है सवाल ये निशान, इसको डिस्कशन में लेकर आना। जब हम बिजनेस वैल्यूएशन पढ़ेंगे तो हम डिफरेंट मेथड्स ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन पे बात करेंगे ना, किसी एक सिंगल मेथड पे बात नहीं करेंगे, डिफरेंट मेथड्स ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन। देयर आर सो मेनी मेथड्स जो कि ये बताते हैं कि जी ये मेथड में ये बुराई है, ये मेथड में ये अच्छाई है, मार्केट कैपिटलाइजेशन में ये मसला, नेट एसेट्स में ये मसला, पी रेशो बेस्ड वैल्यूएशन में ये मसला, वो सारे मेथड यहाँ एक्सप्लोर किए जाएंगे। तो इफ़ यू कैन सी इन द सिलेबस रीजन फॉर वैल्यूएशन, क्यों वैल्यू करते हैं, एसेट बेस्ड वैल्यूएशन की टेक्निक्स, अर्निंग बेस्ड की टेक्निक्स, डिविडेंड की टेक्निक्स, कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन की टेक्निक और वैल्यूएशन के इशूज़ या प्रॉज एंड कॉन्स। अब आप सोचें, आप एक ऐसी कंपनी को वैल्यू करने जा रहे हैं जो कि पब्लिक लिस्टेड कंपनी, चांसेस आर दैट कि आपको इतनी ट्रबल ना हो उससे रिलेटेड। लेकिन अगर आप एक प्राइवेट कंपनी को टेक ओवर करने जा रही है, एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी, तो देयर आर चांसेस के उसके डेटा को वैलिडेट करना, उसका डेटा हासिल करना, फिर उसको उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करना, फिर उसको वैल्यूएशन के डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करना, हो सकता कोई मेथड अप्लाई हो जाए, हो सकता कोई मेथड अप्लाई ना हो रहा हो, वो कैसे करेंगे, ये हम बिजनेस वैल्यूएशन में सीखेंगे किस तरीके से होता है, डिबेट करेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 16 के अंदर जो नेक्स्ट पार्ट है वो है मर्जर्स एंड एमलगमेशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग वैल्यूएशन के बाद मर्जर्स एंड एक्विजिशन। कंपनी क्यों दूसरी कंपनीज को एक्वायर करती हैं, उसके पीछे क्या एजेंडा होता है, चाहिए पेमेंट मेथड्स क्या होते हैं, क्या कैश में पेमेंट की जाएगी, क्या शेयर्स इशू किए जाएंगे, वैल्यूएशन कैसे की जाएगी मर्जर्स की, उसकी रेगुलेशंस कैसे होगी, इंटीग्रेशन में क्या क्या मसले आ सकते हैं, उसका इम्पैक्ट स्टेक होल्डर्स के ऊपर क्या पड़ेगा, जो एक्वायरिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, जो एक्वायरी हैं उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, बोर्ड पर क्या फ़र्क पड़ेगा, फाइनेंस प्रोवाइडर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, होस्टाइल टेक ओवर क्या होता है, फ्रेंडली टेक ओवर क्या होता है, और जो रेगुलेटरी बॉडी है उसका इसमें क्या रोल है, अगर कोई मोनोपोली क्रिएट हो रही है तो उसको कैसे रोका जाए, ये सारा एजेंडा हमारा मर्जर्स के अंदर कवर होता है। ये सेक्शन सी हमारा 45% ब्रिटिश। देखा जाए तो आपके सिलेबस का जो मेजर पोर्शन है उसमें तीन चार बड़े बड़े इश्यूज़ हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हो गया, वैल्यूएशन हो गई, एंड मर्जर एंड एक्विजिशन हो गया, रिस्क मैनेजमेंट में करेंसी वाले रिस्क आ गए, ये ओवरऑल आपका मेजर पोर्शन है। सेक्शन ए थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल दो इसका वेटेज बहुत कम है, लेकिन मुझे एक स्टूडेंट ने भी बताया पिछले अटेम्प्ट में कि उसके जो इनिशियल 5 या 4-5 MCQs आए हुए थे वो इसी सेक्शन से आए हुए थे, और जो सेक्शन बी है वो MCQs नहीं होते, उसके अंदर भी एग्जामिनर यहाँ से थ्योरी का पार्ट पूछ लेता है। तो इसके अंदर फॉर्मुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेटजी बेसिकली टॉपिक है, टाइप्स ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक लिस्टेड कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, प्राइवेट कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, नॉट फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उनके ऑब्जेक्टिव्स, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, उसके बाद कंस्ट्रेंट ऑन फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। अब कोई भी स्ट्रेटजी बताएंगे तो उसके ऊपर इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, इंटरनेशनल फैक्टर्स जो आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, रेगुलेटरी बॉडी का क्या रोल है, उसके बाद आप फोरकास्टिंग एंड एनालिसिस पे आते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल, रेशो एनालिसिस, कैश बजट, कैश फोरकास्ट, P&L बैलेंस शीट को एनालाइज करना फोरकास्ट करके, फिर सेंसिटिविटी एनालिसिस करके चेक करना कि किस वेरिएबल से आपके रिजल्ट्स पे क्या फ़र्क पड़ता है, और उसके बाद फाइनली कुछ डिस्कशन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में जो कि डे टू डे फाइनेंसिंग होती है, और कुछ डिस्कशन डिविडेंड पॉलिसी के बारे में। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई कुड जस्ट मूव टू डिविडेंड पॉलिसी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। वैसे डिविडेंड पॉलिसी को सेक्शन बी में होना चाहिए सिलेबस के, उन्होंने सेक्शन ए में डाला हुआ है। डिविडेंड पॉलिसी की इम्पोर्टेंस क्या है, कोई बात करेगा इसके ऊपर, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिविडेंड पॉलिसी? जैसे शेयर प्राइस डायरेक्टली अफेक्ट होती है स्टॉक मार्केट के अंदर। अच्छा, मैं इसके ऊपर आपसे एक सवाल पूछूं कि कई कंपनीज ऐसी होती हैं जो डिविडेंड देती नहीं और उनकी शेयर प्राइस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, और कई कंपनीज ऐसी होती हैं जो रेगुलर डिविडेंड देती हैं, अगर वो डिविडेंड ना दें तो उनकी शेयर प्राइस गिर जाती है, तो ये फिनोमेना क्या है? मतलब कैपिटल गेन उनमें ज़्यादा होता होगा। इसका क्या मतलब हम ये ले लें कि शेयर होल्डर, कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो डिविडेंड में इंटरेस्टेड होते हैं और कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो डिविडेंड में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते, तो क्या मेरा ये स्टेटमेंट ठीक होगा? जी सर, तो शॉर्ट टर्म में मेरे ख्याल में कैपिटल गेन की तरफ लोग ज़्यादा सोचते हैं और लोग शॉर्ट टर्म में
इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में? स्टॉक मार्केट में कितने तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं सर जी? शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म ही है, और भी होंगे जो आप ज्यादा बेटर बताएंगे। इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, डोमेस्टिक शेयर होल्डर्स होते हैं, फॉरेन शेयर होल्डर्स होते हैं, बहुत वैरायटी ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं। इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा लगाया हुआ है, पेंशन फंड ने पैसा लगाया हुआ है, बैंकों ने पैसा लगाया हुआ है, सबके अपने अपने एजेंडाज होते हैं ना। इसलिए कोई एक सूटेबल डिविडेंड पॉलिसी सबको क्या नहीं कर सकती, सेटिस्फाई नहीं कर सकती। हमारी कौम को किसी एक सियासतदान ने कभी सेटिस्फाई की? क्यों नहीं सेटिस्फाई करते? क्योंकि यहाँ चार सूबे हैं और यहाँ पर 50 टाइप की कौमें आबाद हैं, तो हर कौम को अपना बंदा चाहिए। तो फिर एक वजीर आजम से काम कोई चलेगा? 50 वजीर आजम होंगे ना, तब लोग सेटिस्फाई होंगे। तो ये मसले हैं। तो डिविडेंड पॉलिसी भी ऐसी है कि इतने सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, किसको क्या चाहिए आपको पहले उसे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसको समझते हुए आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको डिविडेंड देना है या नहीं देना। लेकिन इसकी एक बड़ी अच्छी कनेक्टिविटी बनती है किसके साथ? देखें जी, एक कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया 50 मिलियन का। आप एक बात बताएं, क्या कंपनी इस प्रॉफिट में से डिविडेंड दे दे 100% पूरा का पूरा प्रॉफिट उठा के, या कुछ रिटेन कर ले? क्या आइडिया आपका इसके ऊपर, कितना रिटेन करें, कितना पे आउट करें? रिटेन तो करेगी, करना चाहिए रिटेन, जरूरी है, जरूरी है। क्यों रिटेन करें भाई? जरूर, जब जरूरत हो तो रिटेन करें ना, वाई क्यों? अगर जरूरत नहीं है तो 100% पे आउट। हमारी अगर ज्यादा होगी, प्राइस अर्निंग रेशियो पे इफेक्ट होगा। देखें, इसका इसका एक सिंपल सा आंसर ये है कि रिटेन आप करते हैं फ्यूचर नीड्स के लिए। रिटेन आप क्यों करते हैं? फ्यूचर नीड्स के लिए। फ्यूचर में अगर आपको फाइनेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है तो आप कहते हैं हम अपना पैसा क्यों ना इस्तेमाल करें, शेयर होल्डर के पास के जो पैसा पड़ा हुआ है, रादर देन कि हम एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की तरफ क्यों जाएं। तो इस सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप ज़्यादा रिटेन करेंगे तो डिविडेंड कम जाएगा, अगर आप ज़्यादा डिविडेंड देंगे तो रिटेन कम होगा। तो ये भी एक सवालिया निशान है जो आपको डिविडेंड पॉलिसी में डिफरेंट थ्योरीज और डिफरेंट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से समझना पड़ेगा, कौन सी सूटेबल डिविडेंड पॉलिसी बन सकती है। एक सिंगल पॉलिसी किसी भी कंपनी की नहीं हो सकती, कोई भी सिंगल पॉलिसी यूनिवर्सल नहीं है। देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ पॉलिसीज, देर आर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डिविडेंड और अगेंस्ट रिटेंशन और कैपिटल गेन वगैरह के ऊपर दिए जाते हैं। थोड़ी सी वर्किंग कैपिटल पे भी बात कर लें लगे हाथों, कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है और उसका क्या रोल है। वर्किंग कैपिटल की जब हम बात करते हैं तो वर्किंग कैपिटल बेसिकली एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना है, और ये वर्किंग कैपिटल आपको ये बताता है कि आपके करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की मैनेजमेंट, किसकी मैनेजमेंट, आपके करंट एसेट्स को आप कैसे मैनेज कर रहे हैं और आप अपनी करंट लायबिलिटीज को कैसे मैनेज कर रहे हैं, और ये अल्टीमेटली कंपनी की लिक्विडिटी प्रोफाइल के बारे में बताता है कि कंपनी की लिक्विडिटी कैसी है। अगर आपको कभी किसी कंपनी की लिक्विडिटी बहुत अच्छी नज़र आ रही हो ना, तो आप समझ जाइएगा उसने वर्किंग कैपिटल को बहुत एफिशिएंटली मैनेज किया है। और अगर किसी की लिक्विडिटी बहुत बुरी नज़र आ रही हो आपको, तो आपको ये कंक्लूड कर लेना चाहिए कि उसकी वर्किंग कैपिटल की हालत बहुत नाजुक है और उसको मेजर्स लेने चाहिए वर्किंग कैपिटल को इम्प्रूव करने के लिए। वर्किंग कैपिटल में हमारे पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट आ जाती है कि आप अपनी इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करेंगे ताकि आपकी लिक्विडिटी पोजिशन बेहतर रहे। इसके साथ साथ अपने रिसीवेबल्स को आप कैसे मैनेज करेंगे, डेटर्स को आप कैसे मैनेज करेंगे, आप अपने कैश को कैसे मैनेज करेंगे, आप अपने पेबल्स को कैसे मैनेज करेंगे, हर चीज़ को मैनेज करने की ज़रूरत होती है। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ है जिसे मैनेज करने की ज़रूरत ना हो? एक जनरल सवाल है मेरा। क्या मतलब सर जी, क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया में कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप कहते हैं कि मैनेज करने की ज़रूरत ही नहीं है? किसी ने कभी को मैनेज करने के बारे में सोचा ही नहीं कि उसको भी मैनेज किया जा सकता है? देखें देखें, प्रिंसिपल क्या है, जो चीज़ अबंडेंस में होती है ना, अनलिमिटेड होती है, उसको मैनेज नहीं किया जाता। जो चीज़ लिमिटेड होती है ना, उसको मैनेज किया जाता है। अब आप देखें ना, ये सारी चीज़ें क्यों मैनेज की जा रही हैं, क्योंकि ये लिमिटेड होती है ना, इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स होते हैं। समंदर के पानी को किसी ने कभी मैनेज करने की कोशिश की है?
कि संभाल के रखो यार, खत्म ना हो जाए, कहीं बाउंड्री में कैद करके रखो, ऐसा ना हो किसी दिन सुबह उठे तो पता लगा समंदर खाली हो गए, सारे समंदर खत्म हो गए, तो बहुत है यार पूरी दुनिया में पानी ही पानी है, कहाँ जाएगा? तो मैनेज करने की जरूरत ही नहीं है ज्यादा, तो थोड़ा सा दिमाग चलाते हैं तो कहते हैं यार खारे पानी को मीठा करने की कोई प्लानिंग कर लो, थोड़े बहुत इस तरह के काम कर लो। तो नॉर्मली हम कैश को भी मैनेज करते हैं, क्योंकि कैश हमारे पास अबंडेंस में नहीं होता। अगर एक कंपनी के पास डेफिसिट चल रहा है तो वो भी मैनेज करेगी, सरप्लस पड़ा हुआ है तो वो भी मैनेज करेगी। ऑर्गेनाइजेशन को अपने हर हर रिसोर्स को मैनेज करना है, चाहे वो शॉर्ट टर्म नेचर का हो या लॉन्ग टर्म नेचर का। इन्वेंट्री की बात करेंगे तो हम कहेंगे यार इन्वेंट्री ऑब्सोलीट ना हो जाए, इन्वेंट्री स्लो मूविंग ना बन जाए। रिसीवेबल्स में हम बैड डेट्स के बारे में फिक्र करेंगे, कैश में हम अपने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को सोचेंगे, पेबल के बारे में हम देखेंगे कि इसके डेज एक्सटेंड कर देते हैं तो सप्लायर के साथ हमारे रिलेशनशिप ख़राब हो जाएंगे, एंड सो एंड सो ऑन। सो ये मैंने आपको पूरा एक सिलेबस का क्विकली ना एक गो थ्रू करवाया है, एक क्या कहते हैं उसको, एक राउंड दिलवाया है कि जी आपके पूरे सिलेबस में SFM में कौन कौन से एरियाज हैं और उसके बारे में आपको क्या क्या, एक मैंने आपको एक थोड़ा सा सिंप्लीफाई आइडिया देना की कोशिश की है कि हम उसके अंदर क्या क्या पढ़ सकते हैं, क्या क्या पढ़ने जाएंगे। अब बताएं कोई सवाल ताकि फिर मैं अपनी बाकी चीज़ों को डिस्कस करूँ। एनीवन एनी क्वेश्चन? सर सिलेबस जो है हमारा कब तक जो है वो कवर हो जाएगा, और ये आप फैब अटेम्प्ट के लिए पढ़ा रहे हैं या मई के लिए? देखें ये हम फैब अटेम्प्ट के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और हमारी वीक में 3 क्लासेस हुआ करेंगी। एक क्लास हमारी वीक डे में हुआ करेगी, जो मैं आपको कल बताऊंगा वीक डे कौन सा मैंने चूज़ किया है, और 2 क्लासेस हमारी जो होंगी वो सैटरडे और संडे होंगी, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि आपके आपका जो भी एग्ज़ाम डेट आएगी उससे एटलीस्ट 10 डे पहले आपका सिलेबस जो है वो निपटा दें, और हम कुछ चीज़ें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स की फॉर्म में, ताकि कोर्स जल्दी कंपनसेट हो जाए, प्लस लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस में ज़्यादा फोकस इनिशियली तो टॉपिक डिस्कशन पे चलेगा, और फिर सब्सिक्वेंटली ज़्यादा फोकस चलेगा किसके ऊपर, प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर, MCQs की प्रैक्टिस के ऊपर, और कुछ थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस के ऊपर। तो हमारी जो क्लासेस हुआ करेंगी वीक में 3 क्लासेस 2 आवर्स ईच, यानी कि वीक में हम 6 घंटे लाइव डिस्कशन करेंगे। तो मंथली हम 24 और 2 महीने के अंदर, क्योंकि हमारा भी आधा जो है ना वो आधे से ज़्यादा बल्कि पूरा ही लगा लें, पूरा दिसंबर है, पूरा जनवरी है, और आधा फेब लगा लें, तो इसके अंदर हम सफिशेंटली ये सिलेबस इजीली कवर कर सकते हैं इस टाइम पीरियड के अंदर। मेरा काम है कवर करवाना, आपका काम है कवर करना, आप पे ज़्यादा बर्डन होगा, मुझ पे ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, आई नो हाउ टू मैनेज। दूसरी चीज़ ये है कि देखें जो रिसोर्सेज आपको इसके इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो उस रिसोर्सेज में मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली मैं आपको करवाऊंगा। एक आप ACCA का पेपर है F9, वो इसके लिए आइडियल सिलेबस है उसका। इसी तरह CIMA का F3 का सिलेबस है, वो इसके लिए आइडियल सिलेबस है। ये 2 सिलेबस और ACCA का P4, नॉट ऑल P4, पार्ट ऑफ कुछ टॉपिक्स, पार्ट सिलेबस, ये आपके सिलेबस को यूँ समझ लें, आपका जो सिलेबस है ना, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, ये आपका सिलेबस यहाँ से छापा गया है, पूरा का पूरा F3 का सिलेबस आपका सिलेबस है, पूरा का पूरा। कुछ एडिशनल चीज़ें आगे पीछे हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा सिलेबस है। और ये जो पेपर हैं, इसमें ये पेपर MCQ बेस्ड है पूरा का पूरा। तो एग्जामिनर जो MCQs वगैरह भी जिस पैटर्न के ऊपर पूछता है वो यहीं से कवर हो जाता है। तो हम आपको जो भी रिसोर्स इस्तेमाल करना है, चाहे वो क्वेश्चन बैंक हो, पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हो, अपने ACCA के, सिमा के, उसकी किताबें, उसके रिसोर्सेज, उसके टेक्निकल आर्टिकल्स, वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि आपकी अपने सिलेबस के ऊपर, इन टॉपिक्स के ऊपर एक आउटस्टैंडिंग ग्रिप आ जाए। क्योंकि टॉपिक है ना, टॉपिक तो आप कहीं से भी कवर कर सकते हैं, अल्टीमेट एम क्या होता है टॉपिक का कवर करना, किस बुक से कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता। अगर आपने टॉपिक को 100% कवर कर लिया तो आप कहीं एग्जामिनर को आप पूछो मुझसे क्या पूछना चाहते हो अबाउट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मुझे हर चीज़ पता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में, ये होना चाहिए ऑब्जेक्टिव। प्रैक्टिस मटेरियल ऑब्वियसली इनके जो क्वेश्चन बैंक हैं, इसके जो क्वेश्चन बैंक हैं, इसका जो क्वेश्चन बैंक है, ये प्रैक्टिस के लिए आइडियल मटीरियल।
बिकॉज आई टीच ACCA, आई टीच सीमा, आई टीच ICMAP, तो मुझे पता है कि कौन सा सिलेबस किसके साथ रिजेंबल करता है, किसके सिलेबस की कौन सी चीज़ यहाँ जाके आप पढ़ें तो आपको काफ़ी अफाका होने वाला है। सही। मैं तकरीबन 15 साल से फाइनेंस को टीच कर रहा हूँ डिफरेंट क्वालिफिकेशन में, सो एज ऑफ टूडे आई हैव ऑलमोस्ट 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो आई नो ईच एंड एवरी टॉपिक, आई नो ईच एंड एवरी एग्जामिनर्स अप्रोच, चाहे वो ACCA का एग्जामिनर हो, सीमा का एग्जामिनर हो, या आपका ICMAP का एग्जामिनर हो, कि वो ये टॉपिक को कितनी डेप्थ में लेके जा सकता है। अगर वो न्यूमेरिकल पूछेगा तो उस न्यूमेरिकल में कहाँ घुमाएगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। लेकिन स्टूडेंट को इस पर ठीक ठाक टाइम घर पर देना पड़ेगा, चाहे वो वीकेंड्स पे दे, वीकडेज पे दे, ऑफिस में बैठ के दे, ऑफिस से आके दे, बीवी बच्चों के साथ दे, ना दे, वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जब तक आप एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन प्लान नहीं बनाते और रेगुलर बेसिस के ऊपर टॉपिक्स को कवर नहीं करते, रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते, आपकी किस्मत अच्छी हुई तो पास हो जाएगा पेपर, में नहीं हुई तो आप जानते हैं क्या होता है। अब मैं जनरल सवाल जवाब के लिए छोड़ रहा हूँ कि अगर किसी को कोई डिस्कशन करनी है, कोई सवाल पूछना है, बाकी लोग साइलेंट है, अभी 4 लोग हैं ग्रुप में, 4 साइलेंट बैठे हैं, तो वो पूछ सकते हैं। जो आपके रिकॉर्डेड ये रिक्वेस्ट जो आप जब भी लिख रहे हैं जी, ये जो लिखा हुआ भी हमें अवेलेबल होगा PDF बिल्कुल में, जितने भी हमारे लाइव लेक्चर हो रहे हैं, ये जो आज का लेक्चर है और जो कल का लेक्चर है, ये तो क्योंकि हमने वैसे फ्री रखा हुआ है ना, तो ये तो वैसे भी मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा कि अगर किसी को देखना है तो वहाँ से देख ले। लेकिन उसके बाद जो हमारे लेक्चर्स होंगे वो सिर्फ उन लोगों को मिलेंगे जिन लोगों ने हमारे ज्वाइन किया होगा, हमारे साथ रजिस्टर किया होगा। और फीस कितनी है इसकी? फीस हम चार्ज कर रहे हैं बहुत नॉमिनल सी, 7,000 रुपीज। ओके, रिपीटर के लिए भी यही है? सब के लिए ही है, क्योंकि हम किसी को रिपीटर कमिट ही नहीं कर रहे। अब जो पेपर पैटर्न आ रहा है वो सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए आपका आ रहा है इंटायरली MCQs, 30 क्वेश्चंस एंड 60 मार्क्स। और सेक्शन बी आपका जो आता है वो शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन आप 3 नंबर के, 4 नंबर के जो भी हैं, रिमेनिंग 40 मार्क्स। 4 मार्क का एक सवाल बना दे, 5 का बना दे, 6 का बना दे, 3 का बना दे, एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। और इसके अंदर ज़्यादातर एग्जामिनर आपसे थ्योरेटिकल पार्ट पूछेगा,